हेलो एवरीवन, वेलकम माय कुकिंग चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ प्रसाद वाली मीठी बूंदी की रेसिपी। इसको आप एकदम बाज़ार की तरह आसान तरीके से घर पर बना के तैयार कर सकते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है, तो फ्रेंड्स एक बार ज़रूर बना कर देखें मेरे तरीके से मीठी बूंदी। ये एकदम परफेक्ट बन कर के तैयार होंगी। तो उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब और एक कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, बूंदी की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो अब हमें एक बड़ा सा बाउल ले लेना है और उसमें हमें 3 चम्मच के करीब बेसन ऐड करना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने 3 चम्मच बेसन ऐड किया हुआ है। उसके बाद में हम इसमें 1 चम्मच घी ऐड करेंगे। घी ऐड करने से हमारा बैटर है वो बहुत सॉफ्ट बन के तैयार होगा। उसके बाद में ये मैंने मीठा सोडा थोड़ा सा ऐड किया है, 1/2 चम्मच से भी थोड़ा कम। उसके बाद में हम इसमें पानी डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमें पानी इसमें थोड़ा थोड़ा ही डालना है, एकदम से पानी नहीं डालना है। अगर आप एकदम से पानी डाल देंगे तो बेसन में हमारी गुथियाँ पड़ जाएंगी। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आपको बैटर तैयार करना है, इसको हमें मिक्स करते रहना है। आप जितना बैटर को फेंटेंगे हमारी बूंदियाँ उतनी ही अच्छी बन करके तैयार होंगी। तो फ्रेंड्स, हमारा जो बैटर है वो बन करके तैयार हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से हमें रखनी है। तो फ्रेंड्स, अब हमें बैटर को 3 अलग अलग बाउल में करना है होगा, क्योंकि हमें इसमें कलर मिलाना है। तो इस फ्रेंड्स, इस तरीके से आप रख लीजिए। उसके बाद में फ्रेंड्स, हम इसमें फूड कलर मिलाएंगे, इससे कि जो हमारी बूंदियों का कलर है वो बहुत अच्छा आएगा। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने थोड़ा सा ऑरेंज कलर मिक्स किया है इसमें, और अब मैं थोड़ा सा रेड कलर डालूंगी 1 कटोरी में और थोड़ा सा येलो कलर। उसके बाद में हम इसको अच्छे से तरीके से मिक्स कर देंगे। देखिए कुछ इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमको सारी कटोरियों के जो कलर हैं वो सारे बैटर में मिक्स कर देने हैं। तो फ्रेंड्स, आपके पास अगर और भी कलर हैं तो और भी आप कलर का बैटर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे पास बस इतने ही कलर थे। अगर आपके पास ग्रीन कलर है तो ज़रूर ग्रीन कलर ऐड करें, उससे हमारी जो बूंदियां हैं उनका कलर बहुत अच्छा आएगा। तो फ्रेंड्स, अब हमें ऑयल को गरम कर लेना है। उसके बाद में हमें 1 चम्मच लेना है छेंद वाला, उस पर बैटर डालना है इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास छेंद वाला चम्मच नहीं है तो आप कद्दूकस पे भी बना सकते हैं, उससे भी हमारी बूंदी अच्छे से गिर जाएंगी। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमको बैटर डालना है। उसके बाद में हमें बैटर को चलाते रहना है जिससे हमारी बूंदियाँ नीचे गिर जाएँ। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे बूंदियों को, जिससे हमारी जो बूंदियां हैं वो अच्छे तरीके से पक जाएं। तो इसको आप चलाते रहिए। तो फ्रेंड्स, देखिए बूंदियों को हमें इस तरीके से भून लेना है। बूंदी हमारी अच्छे से भून करके तैयार हो चुकी हैं। तो अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो इसी तरीके से हमें सारी बूंदियाँ बना लेनी है। अब इसके बाद में हम अपनी चाशनी बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, उसके लिए मैंने एक पैन लिया है। पैन में हम ऐड करेंगे 1.5 कटोरी के करीब चीनी। हमने 1.5 कटोरी चीनी ली थी, तो उसमें 1 कटोरी पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमें कोई तार वार वाली चाशनी नहीं बनानी है, हमें ऐसे ही चाशनी बनानी है। इसको अच्छे से पका लेंगे। उसके बाद में उबाल आने के बाद इसमें 1 चम्मच के करीब इलायची पाउडर ऐड करेंगे। इलायची पाउडर से जो हमारा टेस्ट वो बहुत अच्छा आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी परफेक्ट चाशनी बन करके तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें अपनी जो रखी हुई बूंदियाँ थी उसको मिक्स कर लेंगे और इसको अच्छे तरीके से चला देंगे, जिससे कि हमारी बूंदियाँ हैं वो सारी मिक्स हो जाएं, वरना जो नीचे की बूंदियाँ होती हैं वो भीग जाएंगी, ऊपर की बूंदी ऐसे ही रह जाएंगी। तो हमको इसको चलाते रहना है। अब हमें बूंदियों को 4 से 5 मिनट तक पका लेना है मीडियम गैस पर। देखिए फ्रेंड्स, हमारी बूंदियां बनकर के तैयार हो चुकी हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, काजू और बादाम। मेरे पास इतने इंग्रेडिएंट थे, हम इतने ही ऐड करेंगे। अगर आप और भी ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इससे हमारी परफेक्ट बूंदी बन करके तैयार हो चुकी। आप लोग एक बार ज़रूर इस तरीके से बूंदी बना कर देखें, ये बहुत ही अच्छी बन के तैयार हुई थी और खाने में बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो एक बार ज़रूर बनाएं। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।